पंजाब के सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर को सिंगापुर में ट्रेनिंग के बाद अब पंजाब सरकार ने प्रदेश के स्कूल हेडमास्टर्स को विशेष ट्रेनिंग के लिए IIM अहमदाबाद भेज रही है। इसके पीछे क्या मकसद है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। पंजाब में बेहतर शिक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए पंजाब की मान सरकार लगातार अच्छे प्रयास कर रही है। सिंगापुर में शिक्षकों की ट्रेनिंग के बाद पंजाब के CM भगवंत मान ने अब प्रदेश के स्कूलों के हेडमास्टर्स को IIM जैसे उत्कृष्ट संस्थान में ट्रेनिंग पर भेजने का फैसला किया है। CM मान ने 50 स्कूल हेडमास्टर्स के पहले बैच को मोहाली से अहमदाबाद के लिए रवाना किया। इस मौके पर CM भगवंत मान ने कहा कि भले ही टीचिंग के नए तौर तरीके हों या फिर पंजाब के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स को इसरो ले जाकर चंद्रयान 3 की लाइव लॉन्चिंग दिखाना हो, वेकेशन कैंप लगाने हो या फिर अवकाश के समय छात्रों को अन्य गतिविधियों में शामिल करना, पंजाब सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार करने के लिए तत्पर है। स्कूल ऑफ एमिनेंस में भी कई प्रकार की गतिविधियां शुरू करने की बात कह चुके हैं, इसके सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। समय के साथ चलना होगा, शिक्षा और शिक्षण के तरीके बदल रहे हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा कि IIM अहमदाबाद दुनिया भर में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए मशहूर है, इसी कारण पंजाब सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स को यहां विशेष ट्रेनिंग दिलाने का फैसला लिया है। पहले बैच को आज रवाना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्य सरकार 138 स्कूल प्रिंसिपल्स को सिंगापुर की मशहूर प्रिंसिपल अकेडमी से ट्रेनिंग दिलवा चुकी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने बीते सप्ताह राज्य के स्कूल प्रिंसिपल्स को शिक्षण और मैनेजमेंट के तौर तरीके सिखाने के लिए सिंगापुर की मशहूर प्रिंसिपल अकेडमी के लिए रवाना किया था। इस कड़ी में 36 प्रिंसिपल के 2 बैच कुल 72 स्कूल प्रिंसिपल ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।